हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोल गोल संसार। हमने हमारे आसपास सभी तरह के आकार वाली वस्तुएं देखी है। कोई चौकोर होती है, किसकी आकृति कैसी होती है, कोई तिकोना होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, सबकी आकृति अलग अलग होती है। लेकिन इस पार्ट के जरिए हम गोल वस्तुओं की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ गोल वस्तुओं के बारे में बताया गया है। आज तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी किताब निकालेंगे, उसका पेज नंबर है 46। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज सुबह के सूरज को देखकर अंतरा सोच रही है, अरे वाह, सूरज कितना सुंदर और गोल है, बहुत गोल, बिल्कुल अम्मा की थाली की तरह। अंतरा क्या सोच रही है सूरज को देखकर, कि सूरज कितना गोल है। थाली भी गोल होती है, हमारे घर में हमने देखी है कि हमारी थालियां गोल होती है। तो वो ये सोचती है कि अम्मा की थाली गोल है, उसी तरह सूरज भी गोल है। अंतरा अपने आंगन में जाती है, तभी उसका भाई अमन दौड़ता हुआ आता है। अंतरा एक लड़की का नाम है और उसके भाई का नाम है अमन। वो दौड़ता हुआ आता है, दीदी दीदी इसे पकड़ो ना, और मैं जैसे जैसे घूम रहा हूँ तुम भी अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमना। क्यों, क्या करना चाहते हो। उसका भाई जब स्कूल से वो दौड़ता हुआ आता है तो वो दीदी दीदी कहकर चिल्लाता है और कहता है कि मैं जैसे इस रस्सी को पकड़ रखा है वैसे ही तुम भी अपनी जगह पर घूमना। अमन उसे बताता है कि उसे एक गोला खींचना है जिसमें वह गेंदे के फूल लगाएगा। अंतरा हंसती है और उसकी मदद करती है। अरे वाह, कमाल है, ये गोला तो सूरज जितना सुंदर और गोल है। दोनों ने मिलकर उस गोले वाली रेखा की मिट्टी खोदी और उसमें गेंदे के फूल लगाए। उन्होंने क्या किया, जब वो गोले का गोला खींचा और उसके आसपास की मिट्टी खोदी और उससे कहा कि अब इसमें हम गेंदे के फूल लगाएंगे। अमन ने बताया कि अपनी कक्षा में तो वह गोल तल के ढक्कन से और लड़कियां अपनी चूड़ी से भी गोला बना लेती हैं। अमन ने कहा कि वो जब स्कूल में होता है और स्कूल में कोई चीज नहीं होती है गोला बनाने के लिए, तो वो अपनी बोतल का, जो पानी पीने की बोतल होती है, उसके ढक्कन से गोला बना लेते हैं और लड़कियां अपने हाथ की चूड़ी उतार कर उससे गोला बना लेती है। तुम्हें पता है अमन, रोटी सिक्का सीढ़ी चकला जैसी चीजें वृत्ताकार चकती कहलाती है। ये क्या कहलाती है, वृत्ताकार चकती। रोटी भी गोल होती है, सिक्का गोल होता है, सीढ़ी गोल होती है, चकला जैसे सभी चीजें गोल होती है, तो ये क्या कहलाती है, वृत्ताकार चकती कहलाती है। गोल सभी चीजें वृत्ताकार चकती कहलाती है। अच्छा, तो चूड़ी और रिंग को क्या कहेंगे, वृत्ताकार छल्ला कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, चूड़ी और रिंग को वृत्ताकार छल्ला कहेंगे। अंतरा अमन के साथ गांव की अन्य गोल वस्तुएं देखने निकल पड़ती हैं। अंतरा अपने भाई यानी कि अमन के साथ गांव की अन्य और जो भी गोल चीजें होती है उनको देखने के लिए निकल जाते हैं। दोनों बहन भाई निकल जाते हैं। वो देखो, कुएं की मुंडेर और कोल्हू का बेल जिस पगडंडी पर चक्कर लगा रहे हैं, ये दोनों गोल है। उसने देखा कि जो कुएं की मुंडेर होती है, जो ऊपर का गोल हिस्सा होता है उससे, वो भी गोल है। कोल्हू का बेल जिस पर, यहाँ पर ये कोल्हू का, कोल्हू किसे बोलते हैं, तेल निकालने का जो एक यंत्र होता है उसे बोलते हैं। पुराने समय में एक बेल को बांध दिया जाता था उससे और वो बेल वैसे ही गोल गोल घूमता रहता था। अमन और अंतरा आगे बढ़ते हुए कुमार काका के घर के आगे आते हैं। अमन और अंतरा जब ये सब देख लेते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं और भी गोल चीजों को, वस्तुओं को देखने के लिए। वो कुमार काका के घर पर आते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, काका का चाक और काकी की चक्की, दोनों वृत्ताकार ही हैं, दोनों ही गोल हैं। कुमार का चाक भी गोल होता है और ये चक्की में जो आटा पीस रही है काकी, वो भी गोल है। हाँ चलो अब घर चलें। वापस आते समय उन्हें जुम्मन भैया मिले। जब वो वापस लौट रहे थे तो जीप में उन्हें कौन मिला, जुम्मन भैया। तो उसके पहिए जीप अमन और अंतरा दोनों हाथ पकड़े, दीदी भैया की जीप के पहिए भी गोल हैं। हाँ हाँ हाँ,
दीदी ने बोला, उसने बोला हाँ कि इसके पहिए भी गोल है। अमन और अंतरा दोनों हाथ पकड़े हुए गाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। वो अपने गाने को गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। गोल है सूरज, गोल ही चंदा, गोल ही रोटी, गोल ही चकला, गोल गोल ही गेंद हमारी, गोल सारा संसार, हा हा हा। वो ये सब देखते हुए अपने घर को वापस आ जाते हैं। तो इसमें हमने सभी गोल वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। ये सब चीजें गोल होती है, इन्हें वृत्ताकार चकली कहते हैं। धन्यवाद। कौन से धन्यवाद?